जी, आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उसमें है स्ट्रैटेजिक सोफा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है कि आपको एक ईमेल आई है जिसमें आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है बंदा, और वो पूछने के बाद आपको फौरन से मतलब वो कहेगा अपना पासवर्ड चेंज कर दें या अपना ऑफिशियल ब्रांच डाटा कुछ भी, इसमें मतलब आपसे किसी न किसी किस्म की वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा और उन इन्फॉर्मेशन को लिंक किया होगा उसने अपने, उससे वो फायदा क्या उठाएगा कि वो फौरन से आपकी वो चीजें जो है जो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा वो फौरन से उस पर जाता जाएगा और खत्म करता जाएगा, और वहां से खत्म करके आपको उसका नुकसान क्या होगा, ये वाला जो एसेट होगा ऑनलाइन एसेट वो आपका खत्म होता जाएगा, वो आपकी एक्सेस से दूर होता जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट्स क्या होती है, हमारे पास ओरिजिनल की तरह नजर आ रही होती है क्योंकि उनके कुछ टेक्स्ट उसके ऊपर इमेज लोगो कलर स्कीम ये सारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, और जो उसका एक्चुअल कंटेंट वो किसी भी वेबसाइट से वो मिलता जुलता नहीं होता, जिसके विजिटर आते जाते रहते हैं उस पर, और जो सिमिलर एक जैसे नेम के साथ उसकी जो वेबसाइट को मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस रख के वो उन वेबसाइट्स को यूज करता है, और जो इमेजेस होती हैं कलेक्ट करता है विजिटर जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको लेजिटिमेट करके उन वेबसाइट्स पे डाल देता है। और उसके बाद है डॉस सिस्टम को साइबर अटैक को खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको हम लोग जिनको टोटली जिनका बायकॉट कर देते हैं, जिनको यूज ही नहीं करते हम लोग, तो इस तरह की सर्विसेज को हम लोग डॉस बोलते हैं, जिसमें हम लोग उस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा इसमें मतलब उसमें कोई एक मशीन होती है जो आगे यूज करती है और पूरे सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर देती है, तो इससे बचने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं।